5 है, उनकी एक तो सेल कम होती है, डेमोग्राफिक चेंज होते हैं वहाँ पे, हो सकता है वो एक हजार में बैठा होगा वो क्लास 5 होगी क्योंकि उसने स्पेसिफिक एक ग्रुप है। असल में सीएसडी बनाई गई थी कि ग्रुप को फैसिलिटेट करने की, जो कि किसी और एरिया में बैठे हुए हैं, सेल नहीं है, थोड़े स्लो मूविंग है, लेकिन अपनी वैरायटी को कंप्लीट करने के लिए, अपनी जो नंबर ऑफ आइटम्स है उसको इंक्रीज करने के लिए आपने एक वैरायटी बढ़ानी होती है, तो उसमें उसके लिए फिर हम मंगवाते हैं। लेकिन वो हम कहाँ से लेंगे, अपने डिपो में सब ऑर्डर कर देंगे, एक कॉटन का, दो कॉटन का, जितना हमें पता हो कि यार ये एक मंथ में निकल जाएगा तो हम वो वहाँ से मंगवा लेते हैं। बाकी जो बड़ी कंपनीज हैं वो हम डायरेक्ट कंपनी से खरीद लेते हैं सामान, वो कंपनी भी डिमांड देते हैं, कंपनी हमें अपनी ट्रांसपोर्टेशन, हमारी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन होती है जो हमें यहाँ। ये सिर्फ आप अपनी ब्रांच की बात कर रहे हैं या सीएसडी करता ही ऐसे है जनरल? सीएसडी की जो क्लासेस है, मैंने आपको पहले बताया कि सुपर मॉल है, सुपर मॉल सबसे सुप्रीम क्लास है, लिट क्लास है, क्लासेस टारगेट वाइज होती है। इंडक्शन से लेके एंड शेल्फ तक एक प्रोसेस है जिसमें हम क्वालिटी को इंश्योर करते हैं कि हमारे किसी किस्म की क्वालिटी नहीं, इसीलिए जो सी एस डी की जितनी भी दालें हैं और जितनी भी ग्रॉसरी जितनी भी है ये एक कैटेगरी है, ये लेबॉरेटरी क्लियर करती है, हम किसी किस्म का कोई प्रिजर्वायर नहीं लगाते इसको अपनी दालों को बचाने के लिए, कोई केमिकल नहीं लगा होता, इसीलिए हमारी जो दाल है उसकी जो लाइफ होती है वो बड़ी कम होती है। आप अगर उसको लेते हैं खरीदते हैं तो आप उसका जो पॉलीथीन बैग है उसको अगर खोल के किसी जार में डाल लेंगे तो ख़राब नहीं होगी, उसके अंदर पड़ी नहीं ख़राब हो जाएगी क्योंकि हम किसी किस्म का केमिकल नहीं लगाते। ये सारी सारी जितनी भी ग्रॉसरी है ये डिपो से आती है, डिपो हमारे सी एस डी का 15 में, वहाँ पे हमारे जितने भी सप्लायर्स हैं वो दे देते हैं, वहाँ से डिपो सप्लाई होती है जो कि हमारी अपनी पर्सनल जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर होती है। ये कुछ लोग हैं जो कि यहाँ डिफरेंट पैकिंग कर रहे होते हैं, इसकी डिफरेंट क्या है, 1 kg है, 2 kg है, 5 kg है, पैकिंग करते हैं। सर बेस्ट ऑर्डर ऐसे तो कोई स्पेसिफिक नहीं होती, बेसिकली ये होता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ क्वांटिटी को डिवाइड किया जाता है। अब सब प्रोडक्ट्स एक जैसे ही नहीं हैं, फास्ट सेलिंग आइटम्स कुछ होते हैं जो कि हमारी लिस्ट होती है, लेट्स सपोज 1000 फास्ट सेलिंग आइटम्स हैं, अब उनकी ऑर्डर क्वांटिटी चेंज होगी, उनकी डिमांड लेवल चेंज होगा, और जो स्लो मूविंग है या डेड आइटम्स होते हैं क्योंकि आपने नंबर ऑफ आइटम्स को भी इंक्रीज करना होता है कस्टमर की डिमांड्स को जो है ना फुलफ़िल करने के लिए, तो वो उनकी चेंज होगी जो कि डेड और स्लो हैं, और जो फास्ट रनिंग उनकी जो डिमांड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ओके फाइन, वैसे तो डेली बेसिस पे ये चीज़ होती रहती है कि आप डेली बेसिस पे उसको कॉन्टीन्यूसली इसको कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ नेगेटिव जा रही है, क्या चीज़ पॉजिटिव जा रही है, क्या ऊपर जी, लेकिन एक महीने बाद हम अपनी इन्वेंट्री क्लोज करते हैं, उसके बाद हमें पता लगता है, और 3 महीने बाद हम अपना फिज़िकल एक ऑडिट करते हैं जो कि शॉप खुद करती है। वो फिज़िकल ऑडिट होता है कि आप शॉप आउटलेट को क्लोज़ करते हैं और आप अपनी एक एक क्वांटिटी को जो भी आइटम है उसकी उसको गिनते हैं, क्वांटिटी नोट करते हैं, चाहे वो स्टोर्स में हो चाहे वो शेल्फ के अंदर लगा हुआ हो, सबको गिना जाता है, फिर एंड पे रिपोर्ट जनरेट होती है कि हम सरप्लस में हैं शॉर्ट में कैसे। अच्छा, व्हाट इज़ योर बेस्ट सर्विस लेवल, व्हाटएवर जो अंडरस्टॉकिंग कॉस्ट और ओवरस्टॉकिंग? अच्छा, अंडर स्टॉकिंग ओवर स्टॉकिंग ये एक सिस्टम जनरेटेड हमारा किसी सिस्टम है, रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम जो कि ऑल ओवर पाकिस्तान में पूरी जो 108 CSDs हैं उसमें इंप्लीमेंट हुआ है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट किया जाता है हर शॉप हर आउटलेट का AMS देखते हुए, एवरेज मंथली सेल देखते हुए वो जनरेट होता है। कुछ आइटम्स जो है ना वो लेट्स सपोज अगर पिंडी में एक आइटम है वो 10 जो है वो ओवर स्टॉक होगा, लेकिन हो सकता है लाहौर में वही आइटम अगर 100 भी पड़े हैं तो वो अंडर स्टॉक होगा, तो डेमोग्राफिक्स की वजह चेंज होता है। ओके, व्हाट इज योर टारगेट स्टॉक लेवल, हाउ मच यू टारगेट लाइक योर ऑडियंस और समथिंग, टारगेट स्टॉक लेवल लाइक हाउ मच ऑडियंस यू टारगेट योर वन स्टोर? अच्छा, ऐसे तो स्पेसिफिक नहीं होता, बेसिकली हमारा जो टारगेट होता है वो नंबर वाइज होता है। ठीक है, हमें एक ईयरली टारगेट्स मिलते हैं हर महीने के, ठीक है, जो कि हर साल इंक्रीज़ किए जाते हैं, 20% 25% इंक्रीज़ किए जाते हैं, तो हमें उसको देखना होता है। वैसे जो कस्टमर फ्लो है नॉर्मली फ्लो वो ऑलमोस्ट होता है तकरीबन डेली का 700 से 800, इस आउटलेट का 700 से 800 फुटफॉल है कस्टमर का। ओके, व्हाट इज़ योर
एग्जैक्टली ऐसे ही किया जाता है. बेसिकली हमारी एक रिटर्न स्टॉक रिटर्न होता है कि आपका स्टॉक कितनी दफ़ा रोटेट हो रहा है. बेसिकली हम ये नहीं करते कि हम पूरे महीने का इकट्ठा स्टॉक नहीं मंगाते. ये होता है कि स्टॉक रिटर्न हम बढ़ाने के लिए आप एक ही डिमांड को तीन दफ़ा डिवाइड कर देते हैं महीने के अंदर. तो इतना स्टॉक होता है अवेलेबल कि लेट्स सपोज को खुदा ना खास, जिस तरह भी पीछे लास्ट टाइम ये थोड़ा सा मसला हो गया था ये धरने वाला, तो हमने स्टॉक ज़्यादा पहले ही मंगवा लिया ताकि आगे हमें हमारे जो फंक्शंस हैं स्मूथ चले. पीक सेल डेज आ रहे थे तो इसमें हमारे फंक्शन स्मूथ चले. डिपेंड करता है कंपनी वाइज. मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि कंपनी कौन सी है. अब कुछ रेगुलर बेसिस पे देखें, अब आप जिस तरह अगर बड़ी कंपनीज की बात करें तो मैंने आपको बताया कि बड़ी कंपनीज का स्टॉक जो है वो तीन दफ़ा हम ऑर्डर करते हैं. ओके, 7 days का टाइम होता है. जिस दिन आप ऑर्डर जनरेट करते हैं उससे 7 दिन तक आगे PO जनरेट होते हैं. ओके, हाउ मच कॉस्ट डू यू बेयर फॉर योर होल्डिंग योर स्टॉक इन अ वेयरहाउस? लेबर की कॉस्ट होती है जो कि हमने लेबर रखी हुई, बाकी हमारे कोई रेंट नहीं है, हमारे पर्सनल अपने वेयर हाउसेज हैं. नहीं, हमारे पास हर आउटलेट का एक अलहदा स्टोर होता है. ठीक है, वेयर हाउस अलहदा होता है. हमारे पास अलहदा 2 stores हैं, जैसे मैंने आपको विजिट करवाया तो 2 अलग-अलग स्टोर्स हैं. और डायरेक्ट हम कंपनी से सप्लाई लेते हैं तो वो हम कंपनी के तो वेयर हाउस के साथ तो नहीं हम डील करते, लेकिन हमारे अपने 2 stores हैं. ओके, द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू मीट योर डिमांड एंड एक्सपोजर पीरियड व्हेन लाइक डिमांड इज वेरी हाई? ओके, एक टाइम होता है 28th से लेके 8th ऑफ एवरी मंथ. ये 10 दिन के पीक सेल डेज होते हैं, फिर लीन डेज आ जाते हैं. पीक सेल डेज की डिमांड लीन डेज से डेज में दे दी जाती है. 20, 22, 19 के बाद आप डिमांड जनरेट कर देते हैं ताकि 25 तक डिमांड आपके पास पहुंच जाए और आपकी पीक सेल डेज अच्छे गुजर जाए. इन डेज में थोड़ी समान डिमांड ज़्यादा की जाती है. जब पीक सेल डेज गुजर जाते हैं तो हम डिमांड को स्लो कर देते हैं.